हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। मेरा नाम है दीपशिखा और मैं आपको CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स से। जैसा कि अगर आपने CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें जो है स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि चाइना का जो है नेशनल गेम क्या है, या फिर स्पेन का नेशनल गेम क्या है, या फिर कोई गेम का नेम दे देगा, जैसे फुटबॉल कहाँ का जो है नेशनल गेम है। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, या तो किसी भी खेल का जो परिषद होता है, जो उसका कोर्ट होता है या रिंग होता है, क्या कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स की भी बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस की भी बात करेंगे कि जो हमारे इंडिया में कहाँ पर है ये बताना है। तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये वीडियो, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा। तो आप इसे लाइक करिएगा, या फिर कोई कमी लगे तो उसे आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम सभी ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजिंग ना रहे। तो पहला ऑप्शन दिया है तीरंदाजी, दूसरा है बेसबॉल, तीसरा है बुल फाइटिंग, चौथा है आइस हॉकी। अगर आप जानते हों तो बुल फाइटिंग जो है भूटान का नेशनल गेम नहीं हो सकता है, बिकॉज बुल फाइटिंग आपने स्पेन में सुना होगा कि ये स्पेन में खेला जाता है, ठीक है। और ये जो है स्पेन का नेशनल गेम है बुल फाइटिंग, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं आइस हॉकी। तो आइस हॉकी कहाँ का जो नेशनल गेम है, ये आप याद कर लीजिए, कनाडा का है, ठीक है, कनाडा का है। बुल फाइटिंग जो आपका है स्पेन का आ जाएगा। बेसबॉल कहाँ का नेशनल गेम है, ये आप जानते हैं, ये USA का नेशनल गेम है। तो आपका ऑप्शन बच जाता है तीरंदाजी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा इसका। भूटान का जो राष्ट्रीय गेम आएगा वो आपका तीरंदाजी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेबल टेनिस का कहाँ का राष्ट्रीय गेम है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन घुमा दिया गया कि टेबल टेनिस जो है कहाँ का राष्ट्रीय गेम है, तो ये आप बताइए कहाँ का है। तुर्की का है, पाकिस्तान, चीन या स्कॉटलैंड। टेबल टेनिस क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा चाइना, ठीक है। चाइना का जो राष्ट्रीय गेम है वो है टेबल टेनिस। और बात कर लें तुर्की की, तो तुर्की का जो राष्ट्रीय गेम है वो है कुश्ती, ठीक है, मतलब रेसलिंग जो होता है वो वहाँ का जो है राष्ट्रीय गेम है। चाइना का तो बता दिया मैंने आपको, टेबल टेनिस चाइना का है। और स्कॉटलैंड जो है वहाँ का राष्ट्रीय गेम क्या होगा, आपको पता है, चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बेसबॉल खेल परिषद को क्या कहा जाता है, बेसबॉल जहाँ पर खेला जाता है उस जगह को, मतलब उस परिसर को क्या कहते हैं। तो देखिए, जहाँ पर बेसबॉल खेला जाता है उसे तो ना एरिना कहते हैं, ना कोर्स कहते हैं, ना रेंज कहते हैं, बचा आपका डायमंड। तो बेसबॉल कहाँ खेला जाता है, डायमंड में, जो जगह होती है उस जगह का नाम। जैसे कि और भी गेम होते हैं, जैसे आपको हम बता देते हैं, कोर्स हो गया, एरिना हो गया, एरिना जहाँ पे घुड़सवारी होती है उस जगह को एरिना कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रेंज की बात करें तो निशानेबाजी वाली जगह को रेंज कहते हैं, ठीक है, निशानेबाजी, ठीक है। शूटिंग, डायमंड मैंने बता दिया बेसबॉल के लिए था। और कोर्स जो होता है आपका, कोर्स जो होता है वो गोल्फ के लिए होता है, ठीक है। इस तरह देखिए आपके चारों ऑप्शन से भी आपको जो है एडवांस जानकारी मिल रही है, तो उन्हें भी आप अपने नोट में जो है लिख लीजिए कि कौन सा गेम के परिसर को क्या कहा जाता है, जैसे एरिना है, कोर्स है, डायमंड है या रेंज है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो आयरन जो वर्ड है ये आपका आ जाएगा गोल्फ से, ठीक है। आयरन वर्ड जो आ जाएगा वो आपका गोल्फ से रिलेटेड वर्ड है। इसी तरह आपका विषभ शब्द जो होता है, विषभ, ये आपका चेस से संबंधित है, विषभ, ये आपका जो है चेस से संबंधित वर्ड है। बात कर ले ड्यूश वर्ड, तो ड्यूश वर्ड आपका लॉन टेनिस से संबंधित है, ठीक है, लॉन टेनिस से जो ड्यूस शब्द संबंधित है। इस तरह के शब्द काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने कुछ गिने चुने शब्द आपको बताए हैं। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके पूछे जाते हैं कि ये शब्द किससे संबंधित है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रमुख स्थल। यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया में, देखिए आपके कई जो हैं आर्कोलॉजिकल साइड हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल साइड हैं, जियोग्राफिकल साइड हैं, तो इसी तरह से इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख स्थल। और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है और बताना है कि आपका राइट आंसर होगा। जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये आप कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका आ जाएगा अमृतसर,
जलियांवाला बाग अमृतसर में है, और जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था 1919 में, ठीक है, जनरल डायर के कहने पर जो है गोली चलाई गई थी उनके आदेश पे। तो काफ़ी हिस्ट्री है यहाँ से जलियांवाला बाग की। आगे बढ़ते हैं, भारत भवन कहाँ पर स्थित है, क्या लगता है, दिल्ली, प्रयागराज, भोपाल या गुजरात? चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। भोपाल में जो है भारत भवन स्थित है, ठीक है, और दिल्ली में आपका जो आएगा, दिल्ली में भी आपका कहते हैं टेंपल है, बहुत ही फेमस टेंपल, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे। दिल्ली में एक टेंपल है जो काफ़ी बड़ा टेंपल है, काफ़ी खूबसूरत, अक्षरधाम, हाँ दिल्ली का आपका अक्षरधाम मंदिर आ गया, ठीक है, वो वहाँ पे काफ़ी फेमस है, बहुत बड़ा टेंपल है, बहुत सुंदर है। भोपाल में आपका भारत भवन आ जाएगा और आनंद भवन जो है वो प्रयागराज में आएगा, ठीक है, दोनों वर्ड काफ़ी सिमिलर है तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। एक आनंद भवन आपको पूछता है, एक भारत भवन पूछता है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके आ जाएंगे, प्रयागराज में आपका आनंद भवन स्थित है और भारत भवन जो है आपका भोपाल में स्थित है, ठीक है। और गुजरात में जो है सरदार पटेल की जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो गुजरात में ही बनी है और सबसे बड़ा स्टेडियम भी वहीं पर बना है। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर बना है, गुजरात में जो है पैसिफिक आपको शहर का नाम बताना है कि कहाँ पर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शालीमार गार्डन और निशांत बाग कहाँ पर हैं? शालीमार गार्डन और निशांत बाग कहाँ पर है? जम्मू, श्रीनगर, लखनऊ या मध्य प्रदेश? इसका राइट आंसर क्या आएगा आप बताइए। कुछ बच्चे अगर जम्मू और श्रीनगर में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका सही आंसर आ जाएगा श्रीनगर, ठीक है, जो दोनों ही बाग है आपके यहाँ पर देखिए, शालीमार गार्डन और निशांत बाग, ये आपके जो है श्रीनगर में स्थित हैं। इसी तरह से आपके मध्य प्रदेश में भी कई सारे मतलब जोन है, जैसे कि भोपाल की बात करें वहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के क्वेश्चन अगर आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, इसमें हम जो है इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि वन्य जीव अभयारण्य हो गए, आपके बायोस्फीयर हो गए, और प्रमुख स्थल हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, तो इससे संबंधित जो सेपरेट वीडियो भी लाए जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिस पर हमने अभी चर्चा नहीं की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप यस करिएगा ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।